हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक का, यानी कि लास्ट 3 महीनों में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं या किसी बुक को कोई अवार्ड दिया गया है या कोई बुक किसी कारण न्यूज़ में आ गई है। इन तीन टाइप की बुक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। टोटल 50 से 60 बुक्स इन 3 महीनों में लिखी गई हैं। इसमें से मैंने टोटल 36 बुक्स को सिलेक्ट किया है जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। इन बुक्स एंड ऑथर से कम एक क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बुक है हमारी रिलेंटलेस। इस बुक को लिखा है यशवंत सिन्हा ने। ये इंडिया के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यशवंत सिन्हा, यानी कि यशवंत सिन्हा की ऑटोबायोग्राफी का नाम है रिलेंटलेस। नेक्स्ट बुक है हमारी ह्यूमन डिग्निटी आ पर्पस इन परपेचुअटी। इस बुक को लिखा है अश्विनी कुमार ने। ये इंडिया के फॉर्मर मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के, यानी कि इंडिया के फॉर्मर मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस जिनका नाम है अश्विनी कुमार। इन्होंने बुक लिखी है ह्यूमन डिग्निटी आ पर्पस इन परपेचुअटी। नेक्स्ट बुक है हमारी द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस बुक को लिखा है अलेस्टर शेरर ने। अलेस्टर शेरर ने बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जो अलेस्टर शेरर हैं ये इंडिया के फेमस राइटर और कल्चरल हिस्टोरियन हैं, यानी कि कल्चरल हिस्टोरियन के साथ साथ इंडिया के फेमस राइटर हैं अलेस्टर शेरर, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट बुक है हमारी पैक्स सिनिका। पैक्स सिनिका बुक है, इस बुक को लिखा है समीर सरन और अखिल देव ने। इस बुक का पूरा नाम है पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन डाउन। इस बुक को लिखा है समीर सरन ने। जो समीर सरन हैं ये प्रेसिडेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जिसको बोलते हैं ओ आर एफ इंस्टीट्यूट है एक, इसके प्रेसिडेंट हैं जो समीर सरन हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इस ओआरएफ की फुल फॉर्म है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके प्रेसिडेंट हैं जो समीर सरन हैं, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद जो अखिल देव हैं ये जूनियर फेलो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट बुक है हमारी द विनिंग सिक्सर बुक को लिखा है डब्ल्यू वी रमन ने बुक लिखी है द विनिंग सिक्सर। ये इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे डब्ल्यू वी रमन द विनिंग सिक्सर। नेक्स्ट बुक देखिए कर्मयोद्धा ग्रंथ। जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पे है। इसको रिलीज़ किया है अमित शाह ने, जो इंडिया के, आप सभी को पता है, इंडिया के मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछते हैं वो है गांधीनगर। आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल ने रिसेंटली पेपर कंडक्ट करवाए हैं 2020 ईयर के लिए। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पे, इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? उसका आंसर था अमित शाह, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक देखिए द ककूज नेस्ट। जो ककूज नेस्ट बुक है इस बुक को लिखा है आ सेथु माधवन ने। इनका ये पहला नॉवल था इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में इनका पहला नॉवल था जिसका नाम है द ककूज नेस्ट। जो आ सेथु माधवन हैं ये मलयालम के राइटर हैं, मलयालम भाषा के राइटर हैं और फिक्शन है ये, यानी कि मलयालम भाषा के फिक्शन राइटर हैं आ सेथु माधवन। इन्होंने पहला नॉवल लिखा है इंग्लिश में जिसका नाम है द ककूज नेस्ट। नेक्स्ट बुक है हमारी गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिनाज इस्लाम। इस बुक को लिखा है एम जे अकबर ने बुक लिखी है जिसका नाम है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिनाज इस्लाम। जो एम जे अकबर हैं ये इंडिया के जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन और फेमस जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और मेंबर हैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से पार्लियामेंट के मेंबर हैं एम जे अकबर। नेक्स्ट बुक है हमारी एमनेस्टी, एक नॉवल है ये। इस बुक को लिखा है अरविंद अडिगा ने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है एमनेस्टी। जो अरविंद अडिगा हैं ये इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ये एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं ये अरविंद अडिगा। एमनेस्टी अ नॉवल। नेक्स्ट बुक क्या है? मेड इन इंडिया।
मेड इन इंडिया बुक को लिखा है मिलिंद सोमन ने। मिलिंद सोमन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। जो मिलिंद सोमन हैं ये इंडिया के एक मॉडल हैं और एक्टर हैं, और उसके साथ साथ ये एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। मिलिंद सोमन, इनके द्वारा बुक लिखी गई है मेड इन इंडिया। नेक्स्ट बुक क्या है, द मैन द ड्रीमर द स्टार। इस बुक को लिखा है इरफान खान ने। इरफान खान आप सभी को पता है, फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैन द ड्रीमर द स्टार। नेक्स्ट बुक है हमारी आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। इस बुक को लिखा है जसविंदर बिल्लान ने। जसविंदर बिल्लान ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। जो जसविंदर बिल्लान हैं ये इंडिया के एक फेमस ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं एक, और इनको एक अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। आप सभी को पता होगा कोस्टा चिल्ड्रन बुक्स अवार्ड, ये काफ़ी फेमस है, अच्छे से याद कर लो, जरूर आएगा आपके एग्जाम में। कोस्टा चिल्ड्रंस बुक चिल्ड्रंस बुक्स अवार्ड, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है जसविंदर बिल्लान को। ये भी याद रखिए किस बुक के लिए मिला है, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट बुक है हमारी द एयर एक्ट 1981, यानी कि द एयर एक्ट 1981। इस बुक को लिखा है के खंडेलवाल ने। के खंडेलवाल ने, ये चेयरमैन है हरियाणा रियल एस्टेट जो रेगुलेटर अथॉरिटी है वहाँ के, यानी कि हरियाणा की एक एस्टेट है, उसके चेयरमैन हैं के खंडेलवाल। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द एयर एक्ट 1981। नेक्स्ट बुक क्या है हमारी, हु इज भारत माता, भारत माता कौन है। इस बुक को लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक बुक लिखी है हु इज भारत माता। जो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं ये इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है हु इज भारत माता। नेक्स्ट बुक क्या है हमारी, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बुक को लिखा है जग्गी वासुदेव ने। जग्गी वासुदेव ये एक साधगुरु हैं जिनको जग्गी वासुदेव इनका नाम है, और इंडिया के ये काफ़ी फेमस ऑथर हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। नेक्स्ट बुक देखिए, जयपुर जर्नल्स। जयपुर जर्नल्स बुक को लिखा है नमिता गोखले ने। नमिता गोखले ने बुक लिखी है जिसका नाम है जयपुर जर्नल्स। ये इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं, और उसके साथ 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 ये एक पब्लिशर हैं, यानी कि पब्लिश करते हैं काफ़ी सारी बुक्स को, और फेस्टिवल डायरेक्टर भी हैं। फेस्टिवल डायरेक्टर भी हैं जो नमिता गोखले हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट बुक देखिए, ताहिरा कश्यप की, द 12 कमांडेंट्स ऑफ अ बीइंग अ वुमेन। इस बुक को लिखा है ताहिरा कश्यप ने। जो ताहिरा कश्यप हैं ये इंडिया के राइटर, प्रोफेसर और थिएटर डायरेक्टर हैं, और आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं ताहिरा कश्यप, जो फेमस आप सभी को पता है बॉलीवुड के एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनकी वाइफ का नाम है ताहिरा कश्यप। ये बुक लिखी है द 12 कमेंडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। नेक्स्ट बुक देखिए, देवदत्त पटनायक की। इस बुक का नाम है पिलग्रिम नेशन द मेकिंग ऑफ भारतवर्ष। इस बुक को लिखा है देवदत्त पटनायक ने। ये इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं, जिनके द्वारा एक बुक लिखी है जिसका नाम है पिलग्रिम नेशन द मेकिंग ऑफ भारतवर्ष। नेक्स्ट बुक देखिए, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की। इनके द्वारा एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी है प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की। ये इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं, और उसके साथ साथ ये फिलोसोफर भी हैं, यानी कि राइटर के साथ साथ ये फिलोसोफर भी हैं। फिलोसफी में भी इनका काफ़ी नाम है, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव का। नेक्स्ट बुक देखिए, ब्लू इज़ लाइक ब्लू। ब्लू इज़ लाइक ब्लू बुक लिखी है विनोद कुमार शुक्ला ने। विनोद कुमार शुक्ला ने बुक लिखी है जिसका नाम है ब्लू इज़ लाइक ब्लू। नेक्स्ट बुक देखिए, माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बुक को लिखा है बालाचंद्र मुंगेकर ने। बालाचंद्र मुंगेकर ने बुक लिखी है जिसका नाम है माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा एक बुक लिखी गई है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। शशि थरूर इंडिया के काफ़ी फेमस, आप सभी को पता है काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं शशि थरूर, इनके द्वारा काफ़ी फेमस बुक लिखी गई है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर आएगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शशि थरूर की ये बुक। नेक्स्ट बुक देखिए, मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पी फॉर नो रीज़न। हैप्पी फॉर नो रीज़न बुक लिखी है
मंदिरा बेदी ने, ये इंडिया की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, उसके बाद फैशन डिज़ाइनर भी हैं, उसके साथ साथ ये टेलीविज़न प्रेजेंटर भी हैं, यानी कि टेलीविज़न में काफ़ी शो प्रेजेंट करती हैं मंदिरा बेदी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, हैप्पी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट बुक देखिए, मोंटेक सिंह आलूवालिया की, इसका नाम है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स। ये बुक लिखी है मोंटेक सिंह आलूवालिया ने, ये इंडिया के काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जो मोंटेक सिंह आलूवालिया हैं, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट बुक देखिए, एक था डॉक्टर एक था संत, यानी कि एक डॉक्टर था एक संत था, इस बुक को लिखा है अरुंधति रॉय ने एक बुक लिखी है, एक था डॉक्टर एक था संत, ये काफ़ी फेमस इंडिया के ऑथर हैं अरुंधति रॉय। नेक्स्ट बुक देखिए, बलवा बुक को लिखा है मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बलवा। ये इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये भी याद रखिए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट बुक देखिए, इनविंसिबल आ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, यानी कि एक ट्रिब्यूट देना है मनोहर पारिकर जी को, ये बुक लिखी है तरुण विजय ने, यानी कि तरुण विजय की बुक का नाम है अनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। जो मनोहर पारिकर हैं ये इंडिया के फॉर्मर जो गोवा के सीएम हैं, फॉर्मर, प्रेजेंट में जो सीएम हैं गोवा के, उनका नाम है प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में सीएम ऑफ गोवा, ये फॉर्मर गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर पारिकर जी की लाइफ पे ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है इनविंसिबल आ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, इसको लिखा है तरुण विजय ने। नेक्स्ट बुक देखिए, यूके सिन्हा के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सेबी। ये सेबी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं यूके सिन्हा, इनके द्वारा बुक लिखी गई है गोइंग पब्लिक माई टाइम एट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजय त्यागी, वो हैं चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट बुक देखिए, सविता छाबड़ा के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है लीगेसी ऑफ लर्निंग बुक को लिखा है सविता छाबड़ा ने। नेक्स्ट बुक देखिए, रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ये इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक देखिए, द लाइन ऑफ कश्मीर बुक को लिखा है सिद्धार्थ गिग्गू ने बुक लिखी है द लाइन ऑफ कश्मीर। जो सिद्धार्थ गिग्गू हैं ये इंडिया के राइटर और फिल्म मेकर हैं, यानी कि इंडिया के फिल्म मेकर और उसके साथ साथ इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं सिद्धार्थ गिग्गू, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द लाइन ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट बुक देखिए, शेमलेस बुक को लिखा है तस्लीमा नरसिंह ने बुक लिखी है शेमलेस। जो तस्लीमा नरसिंह हैं ये बांग्लादेश स्वीडिश राइटर हैं, यानी कि ओरिजिनली ये बांग्लादेश की हैं और प्रेजेंट में ये रहती हैं स्वीडन में, और ये एक फेमस राइटर हैं तस्लीमा नरसिंह। नेक्स्ट बुक देखिए, मसीहा मोदी बुक को लिखा है तवलीन सिंह, ये इंडिया के एक कॉलमनिस्ट हैं, इंडिया के काफ़ी फेमस ये कॉलमनिस्ट हैं जो तवलीन सिंह हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है मसीहा मोदी। नेक्स्ट बुक देखिए, प्रीति शिनोई के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है वेन लव केम कॉलिंग, इस बुक को लिखा है प्रीति शिनोई ने। जो प्रीति शिनोई हैं इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं एक और ऑथर हैं ये इंडिया के काफ़ी फेमस प्रीति शिनोई। नेक्स्ट बुक देखिए, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑटोबायोग्राफी है ये मनोहर पारिकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये मनोहर पारिकर जो हैं ये आप सभी को पता है फॉर्मर सीएम हैं गोवा के, और प्रेजेंट में मैंने आपको पीछे भी बताया है प्रमोद सावंत। उसके बाद नेक्स्ट बुक देखिए, द मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली, इस बुक को रिलीज़ किया है इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट वेंकैया नायडू ने। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये कौन से नंबर के वाइस प्रेजिडेंट हैं इंडिया के, जो वेंकैया नायडू हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये इंडिया के किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं,
ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू ये कौन से नंबर के हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के रामनाथ कोविंद ये कौन से नंबर के हैं। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओगे। सो ये थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, लगभग 36-37 बुक्स हमने इस वीडियो में कवर करी हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाईफाई एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर देखने को मिलती हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।